अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं कौन हूँ ये आप सब जानते हैं। हम यहाँ मौजूद हैं शहबाज के कारवां के साथ। इतनी सुबह मैं वेट किसका कर रहा हूँ, ये तो आपके लिए सरप्राइज है। हो गली गली और कूचे कूचे खबर यही फैली है, बच्चे बूढ़े और जवान खलबली सबको मची है। लज्जत का ये राज लिए चल पड़ा है कारवां, जायका खुशबू और पकवान है पाकिस्तान की शान। शहबाज का कारवां, शहबाज का कारवां, शामिल हो जाओ अब तुम भी मेहरबान। चल पड़ा है जो ये अब रुकेगा नहीं, शहबाज का कारवां, शहबाज का तो लास्ट एपिसोड में शहबाज का कारवां निकला कुछ मस्ती करने। हमने खेले दिल खोल के गेम्स रहीम यार खान के लोगों के साथ, और अब चलते हैं ये देखने कि आज का सरप्राइज है क्या। तो ये है अजहर, कल के विनर ऑफ द डे। इन्हें ये लगा था कि इन्हें कोई बहुत बड़ा प्राइज मिलने वाला है, लेकिन इनका गिफ्ट हूँ मैं। कैसा लगा सुनकर? बहुत अच्छा लगा। झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं, आज आपने मुझे घुमाना है पूरा रहीम यार खान, क्योंकि अब तक हमने क्या क्या कर लिया है, खाना बना लिया है, खाना खिला भी दिया है, गेम्स भी खेल लिए हैं, आपको गिफ्ट भी मिल गया है। तो देर किस बात का, आज हम रहीम यार खान आप लोगों को घुमाएंगे। इतना मजा पहले कभी नहीं आया जो आज आएगा, क्योंकि पूरा रहीम यार खान हम एक्सप्लोर करेंगे देसी तरीके से, वो भी लोकल्स के साथ। तो कहीं मत जाएं, मेरे साथ आएं, आप भी आएं। अजहर भाई, इतने ऊंट यार, ये बता दें ये जो आपके पास ऊंट है इसका नाम क्या है? नाम क्या? सिंधी। सिंधी है ये? अच्छा। इसमें सिंधी पंजाबी भी होते हैं भाई। मजा तो आया है, लेकिन जब तक मैं आपके साथ हूँ आपने डरना नहीं है। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, परेशान ना हो, ठीक है। अजहर भाई, हम कहीं और लेके चले। चले आओ, आए आपको मैं किला खैरगढ़ की तरफ लेके चलता। खैरगढ़ में खैर हो जाए। हाँ अजहर भाई, ये क्या है? ये जनाब किला खैरगढ़ है, 1775 में ही बना था, लेकिन हालात और इधर पानी की कमी की वजह से अब इसकी ऐसी हालत हो गई। अभी यहाँ पे कोई लोग वगैरह आते हैं? हाँ, बस सैर व तफरी के लिए। ये सोसाइटी थी? नहीं, ये दिफाई मुहिमात के लिए बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर चारों तरफ मकान थे, दरमियान में पानी का सिस्टम वगैरह था। अजहर भाई, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? हाँ, ये सीढ़ियाँ हैं जो इसका गेट है, गेट के ऊपर चढ़ने के लिए। सही। अजहर भाई, ये जो जगह है ये कितने साल पुरानी है? ये सर तकरीबन 525 साल तकरीबन। ये ईंट मतलब इतनी पुरानी है? जी, ये ईंट इतनी पुरानी है। अजहर भाई, यहाँ पे क्या होता था? जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर सिपाही खड़े होते थे। सही, ठीक है। और यहाँ से जैसे तीर वगैरह कमान गेट था ना, ये वाला बोल्ट और ये वाला, मतलब ये लड़ाई झगड़े उस जमाने से चलते हुए आ रहे हैं, जमीनों के पीछे, जमीनों के पीछे। इस पे मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। किसी को घर मिला हिस्से में तो किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं ये साज बजाता हूँ। आप बजाते हैं? जी। वो सांप की बीन जो होती है? नहीं,
ये हाथ से बजती है। अच्छा अच्छा अगर मैं यहाँ पे ना आता ये क्रेडिट मुझे नहीं जाएगा, ये जाएगा शहबाज के कारवां को। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा अपने कारवां के साथ और एक हमने यहाँ से कारवां स्टार्ट किया। ऐसा टैलेंट मैं चाहता हूँ कि इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इनका टैलेंट आगे आए। और अगर आप लोगों को ही पसंद आया है तो कॉमेंट्स में लाजिम बताएँ कि ऐसा टैलेंट इतना बड़ा हमारे पाकिस्तान में ज़ाया हो रहा है, इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई स्टेज होनी चाहिए जहाँ पर अपना टैलेंट शो करवाएं लोगों से। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारी आवाम का दिल जीत लिया। जी जी सर, आप मेहमान हैं हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल है सर, ये आपका लिए तोहफा है सर। सर इसके लिए आप यकीन करें। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप कभी हमारे शहर भी आएंगे तो हमारी जान भी हाजिर है। जी सर जी, इसको यूं डाल लूं जी सर, सिंध जे सकाफत जे अहम सोपड़ी अजरक है। अजरक है सिंध जी सही। मुझे पाओ जी शादी ती रही है। ठीक सही। इनन जे शादी तो शिरकत कराने लाए। वाह वाह। ओ हां जो शुक्रगुजार रहन। बिल्कुल सही। सलमान साहब। सर जी मजा आ गया यहां पे। अरे ये क्या है? ये जनाब शेख का महल है, इसका एक गेट है। अगर सिक्योरिटी इशू ना होते तो आपको मैं यहां सेल भी करवाता। अच्छा ठीक है जी। यहाँ पर रहीम खान कभी से जब भी यहाँ पर रहीम खान आते हैं। कौन आते हैं? तो शेख रहीम यार खान आते हैं। जी, और जहाँ स्टे करते हैं इन्होंने अपने स्टे के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा महल बनाया हुआ है। दुनिया दुबई जा रही है घूमने के लिए और शेख रहीम यार खान आ रहे हैं। सौगात है यार इस शहर में, तो हर चीज नयाब है। नयाब है। अब और क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? अब एक काम है आपसे, मैं करता हूँ डेली शेव, मुझे चाहिए ब्लेड। यहाँ से ले लेते हैं आप। दिला एक ब्लेड दीजिएगा। अच्छा सर। अरे ये यहाँ पे भी शहबाज यार, यहाँ के शहबाज तो यहाँ की सब आता है, यहाँ हर घर में आपको शहबाज नहीं मिलेगा। अरे भाई क्या बात है, इसी बात पे इनको आप बताएं, यहाँ से आप पियेंगे क्या? आप पानी दे दो बस। पानी? हाँ। चलो यार पानी दे दो इनको भाई। सर ये आपका पानी आ गया, मेरा ब्लेड। चले सर, बहुत शुक्रिया। जैसे ही मैं बोंग मस्जिद में एंटर हुआ, मैं तो उसकी खूबसूरती और हिस्ट्री में गुम हो गया। हजारों साल पुरानी इन दीवारों पर जब लाइट पड़ती है तो उनके पैटर्न्स और डिटेल्स एक अलग ही नजर आते हैं। मतलब एक बात तो पक्की है कि अगर आपने यहां आकर अपनी आंखों से नजारा नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। अजहर भाई ये क्या है? सर यही तो किला खैरगढ़ के पास दिखाने के लिए आपको एक चीज थी और नया स्ट्रक्चर है यार। जी है क्या रास्ता कहाँ जाने का? ये इसका यहाँ से सर रास्ता से? हाँ जी आ जाए। अजहर भाई ये है क्या? ये सर इसका नाम पतन मीनारा है। हाँ। और ये एक दरह हाकड़ा के किनारे पे बसने वाली एक तहजीब थी। अच्छा। ठीक है, जिसमें पुराना इसका नाम ये इलाका था पतनपुर। पतनपुर? हाँ, पतनपुर से पतन मीनारा इसका नाम जो है पड़ा। और कुछ के मुताबिक ये है कि यहाँ पर इसके नीचे खजाना छुपा है। वाकई में खजाना छुपा? हाँ। चलें ना निकालते हैं।
सलमान भाई एक मज़े की बात बताऊँ, बीबीसी में एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें यहाँ पर तकरीबन 1000 साल पहले एक मंदिर बात था। ये मंदिर था जी, कितने साल पहले? तकरीबन 1000 साल पहले। मुझे इजाज़त, मुझे ज़रूरी काम है। किस चीज़ की, कहाँ जा रहे हैं? हाँ बस ज़रूरी काम है, तो इंशाल्लाह फिर आप। लेकिन हमने तो आगे भी जाना है अभी। हाँ बस मजबूरी है, तो ज़्यादा मजबूरी है। हाँ चलें कोई बात नहीं, आपने जो है बड़ा साथ दिया है। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हूं सर। सबसे पहले तो ये बताइए क्या बना रहे हैं आप? ये हम दाल बना रहे हैं सर। मैं बैठूं? आप दे रहे हैं? मक्खन डाल दें सर। मक्खन भी डाल दें? ठीक है बैठो। अनी भाई टिक्की राम तो हमने खा ली, अब ये बताएं सुबह से मैं घूम रहा हूँ रहीम यार खान, यहाँ पे कोई ऐसी चाय है जो मेरे जिस्म की थकान उतार दे? हमारे रहीम यार खान के बड़े मशहूर चाय है, रेलवे चौक के बिल्कुल सामने दुकान है, आपको हम चाय पिलाते हैं, आप याद करेंगे। सलमान चाय कैसी लगी हमारी? जैसा आपने कहा था उससे लाख गुना बेहतर है। बस यही हमारी रहीम यार खान की पहचान है चाय। ये बताएं ये जो आपका स्टेशन है रहीम यार खान का जी, कितना पुराना है? बहुत पुराना है, तकरीबन 40-50 साल तो हमें देखते हुए। नहीं नहीं अपनी उम्र के हिसाब से। आप गए आपसे बैठ के किसी? नहीं नहीं मैं तो बस ऑफिस से सीधा घर। क्यों, शादीशुदा है? शादीशुदा हूँ जी अभी तो। बच्चे भी हैं? हाँ 5 बच्चे हैं मेरे। वाइफ भी है? बिल्कुल, तो लाजमी सी बात है। एक बेटा 4 बेटी हैं। अच्छा अच्छा हैप्पी लाइफ है। अच्छा ये बताएं ये जो आपके रहीम यार खान से ट्रेन जो जा रही है जी, सारे शहर में जा रही है? हाँ जी। अभी मुझे अगर सियालकोट जाना पड़े मिल जाएगी आप? मिल जाएगी, मिल जाएगी। अच्छा चाय तो आपने पिला दी मुझे जी जी, अब मैं जब अपने घर जाऊंगा तो अम्मी मुझसे पूछेंगी मेरे लिए क्या लेकर आए हो, तो उनके लिए गिफ्ट होना चाहिए। और वो दिलाएंगे आप? बिल्कुल मैं दिलाऊंगा। कहीं है लोकल बाजार यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। चलें फिर? चले चलिए। चलो अनी भाई ये कहाँ ले आए? ये सादिक बाजार है जी। सादिक बाजार? जी जी हमारी मशहूर बाजार सादिक बाजार है, बहुत पुरानी। यहाँ मिलेगा क्या? इसमें हर चीज मिलती है। अच्छा जी तो आज का एपिसोड हो रहा है हमारा खत्म। हनीफ भाई ने जो मेरी खिदमत करी है आज पूरा दिन, तो बदले में मेरा भी इनको कुछ देना बनता है, तो मेरी तरफ से हनीफ भाई आपके लिए। नहीं थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। नहीं ये बात नहीं है, मोहब्बत दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं होती। नहीं, हमारे यहाँ मेहमान आता है उसे गिफ्ट दिया जाता है, लिया नहीं जाता। सर ये ले लें आप, ये मेरी मोहब्बत है। थैंक यू, और आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। अब मैंने आपका कहना माना है, साथ अच्छा नहीं, नहीं आपने मेरा, मैंने आपका कहना माना है। हाँ? अब हमारा कहना मान, रात हमारे पास रुके? नहीं नहीं ऐसे कैसे, ये बात नहीं नहीं हमारे में रात जीतनी है। हाँ? हम हमारे पास रुकेंगे रात, आज रात का खाना मेरे पास, कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। आज चले खाने से भी नहीं, नहीं टाइम हो गया है। चले सर चले, आज सर नहीं सर, मैं फिर कभी दिन में रुक जाऊंगा। नहीं सर, कौन रुकता है? नहीं सर। मिलते हैं शहबाज के कारवां के अगले एपिसोड में, हफ्ते की शाम 8 बजे।